तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपको स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब की वीडियो के बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई एक नया चैनल ओपन करते हैं या फिर हमारी वीडियो पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ दो ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे क्या है आपका जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मतलब ठीक ठाक ग्रो करने लगेगा और 100% ये वर्किंग करेगी गाइस, क्योंकि मैंने खुद के चैनल पे ट्राई किया है। क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे जिसका मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो चुका है और लगभग 6,500 उसके सब्सक्राइबर हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरा दूसरा चैनल है, इस वजह से मुझे उसका यूट्यूब का थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपना चैनल कैसे ग्रो किया और मतलब कि वो ट्रिक अगर आप यूज़ करोगे तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके जो यूट्यूब पे चैनल है वो उसके पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आने लगेंगे। तो आज की इस वीडियो आपको यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर दें गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं हम पहले ट्रिक नंबर वन की। तो गाइस ट्रिक नंबर वन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, जब भी हम अपनी कोई हम कैमरे से वीडियो अपलोड कर मतलब कि वीडियो बना लेते हैं अपने मोबाइल से या कैमरे से, जिससे भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके हमें रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना कि रिकॉर्ड करने से पहले जो हमें अपने वीडियो का थंबनेल क्रिएट कर देना, और थंबनेल कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि जो भी मतलब कि जब भी हमारी वीडियो यूट्यूब के ब्राउज़र में जाए तो वहाँ पे देखने वाला जब भी क्लिक करे तो क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। तो हमारा थंबनेल जो होना चाहिए वो ज़्यादा ना ही क्लिक वेड होना चाहिए ना ही वो। तो चलिए ये तो एक थंबनेल के, बट मैं बात बताता हूँ कि आपको करना क्या करना ये कि देखो थंबनेल तो आपका ठीक होना ही चाहिए, ठीक है। थंबनेल के साथ साथ जो आपको करना है वो मैं बताता हूँ। थंबनेल के साथ गाइस आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो बना ली, थंबनेल बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, एडिटिंग कर लिस्ट सारा कुछ कर लिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है कि करना ये है कि मान लीजिए आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू वीडियो वायरल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जैसे मैंने इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई अब आपको क्या करना है, अगर आप इस टॉपिक पे बना रहे हो अदरवाइज किसी और टॉपिक पे बना रहे हो तो आपको वही टॉपिक यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना। जैसे ही आप यूट्यूब में वो टॉपिक सर्च करोगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो आ जाएंगी, जो ऊपर तो वही आएंगी जिनके अच्छे खासे व्यूज हैं और वायरल टाइप के इस टाइप की आएंगी, बट ठीक है आपको वहाँ से लगभग 10 से 15 वीडियो देख डालनी है, ठीक है गाइज। उसमें टाइम जरूर लगेगा थोड़ा बहुत, लगभग आप 20 वीडियो देखोगे, 5-5 मिनट की रहती है तो हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा आपका लग जाए, ठीक है। तो आपको 15-20 वीडियो देख लेनी है, 15 या 10 तो कम से कम देखनी है, ठीक है। ये नहीं कहता आपकी फुल देखो, मतलब कि देख लेनी है जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत आपके समझ में भी आ जाए कि हाँ मैंने ये वीडियो देखी है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपसे क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। उसके बाद गाइज आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, थंबनेल लगाना चाहिए और टैग्स वगैरह डाल के अब अपनी वीडियो को अपलोड कर देनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा गाइस, जो वीडियो आपने देखी है मतलब 15-20 वीडियो उस टॉपिक की देखी थी, अब उससे क्या होगा कि जो हमने वीडियो डाली है वो हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब की उन वीडियो के सजेशन में चली जाएगी, और उससे क्या है कि हमारी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे। क्यों गाइस, देखिए जैसे मैंने कोई मैं ही हूँ, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ हाउ टू वायरल वीडियो, ठीक है। अब नीचे मेरे मैंने वो देखी, उसके नीचे मेरी वीडियो आ जाती है हाउ टू वायरल वीडियो, अदरवाइज कोई और मेरी वही उसी टॉपिक पे वीडियो देख रहा है किसी और की, उसके नीचे मेरी वीडियो आ जाती है और मेरा थंबनेल अगर ठीक रहा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बंदा हमारी वीडियो पर क्लिक जरूर करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो के वायरल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और गाइस ये मैंने खुद अपने चैनल पर ट्राई किया है, ठीक है। और इस तभी मैंने अपने चैनल को लगभग 7 महीने के अंदर मतलब 0 से 6,000 सब्सक्राइब कर लिए और मोनेटाइजेशन भी इनेबल करा दिया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको यही करना। तो गाइस जब बात कर लेते हैं हम दूसरी ट्रिक की, तो दूसरी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरी ट्रिक ये है गाइस, जैसे मान लीजिए हमने वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के लगभग 5 या 10 मिनट के बाद, ठीक है, आपको अपनी वीडियो को अपने ही फ़ोन में खुद देखने, ठीक है। मैं ये नहीं कहता जिस ईमेल से आपने बनाई उसी जिस ईमेल पर आपका चैनल है उसी चैनल ईमेल से देखो, नहीं यार, ठीक है। आपको जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होता है मतलब कि जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करने लगता सिर्फ आपको तब तक ये ट्रिक करनी है, उसके बाद नहीं करनी। जैसे लगे आपको कि हाँ मेरे 2,500 घंटे हो चुके हैं बंद कर देना, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना। जैसे जब हमारी वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद हमें दूसरे जीमेल से या फिर अदरवाइज दूसरे जीमेल से भी देख सकते हैं, अदरवाइज या आपके घर में 2-4 फ्रेंड के मोबाइल होंगे घर में
उन वीडियो को चलाना है, ठीक है, फुल फुल चला के रख देना, फुल चला के रखना है, ठीक है, मतलब कि हमारी जो वीडियो है आधे घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा चला देनी है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने अपने आसपास के फोनों में चला देनी है, अदरवाइज और फ्रेंडों को बोलना है कि हाँ भाई हमारी वीडियो देखो, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 या आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। कई उससे क्या होता है कि जब यूट्यूब हम वीडियो डालते हैं तब हमारी वीडियो को कुछ ज़्यादा ही गौर देता है, क्यों, वो हमारी वीडियो को तभी लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। तो अगर उस टाइम हमारी वीडियो को अच्छा खासा वॉच टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वॉच टाइम अगर अच्छा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इतना जरूर करना कि जब हमने वीडियो डाली है उसके आधे घंटे के अंदर अपने घर में किसी का तो मोबाइल रहेगा, दो तीन चार मोबाइल जितने भी, सब में वीडियो चला के रख दो, उससे आपका जो यूट्यूब चैनल है ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ही अच्छे से आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होने लगेगा। तो बस ये दो ट्रिक्स आप यूज़ करो, अगर आप एक नए यूट्यूबर, अगर वीडियो पर व्यूज़ नहीं आने, 101% आपके जो यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ आने लगेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।